बेटा तू अब तक सोई नहीं? बस सोने वाली थी पापा। तू रो रही है? बेटा अभी तो मैंने डांटना भी शुरू नहीं किया। पापा मुझे डांट लो, मैं हुई गंदी। नहीं बेटा, मेरी खुशी तो प्यारी सी, भोली सी, मासूम सी है। नाकचिड़ी, जिद्दी, चिरकोटी, पापा बस मुझे डांट लो। बेटा अब मैं तुझे क्या कह के डांटूं? सारे एडजेक्टिव्स तो तूने यूज कर लिए। वैसे भी पार्टी में तो तू गई थी, रोना तो मुझे चाहिए, तू क्यों रो रही है बेटा? मुझे नहीं जाना किसी पार्टी चार्टी में, पार्टी का तो नाम बदलो आप। चल दफा कर पार्टी को। अच्छा एक बात बता, वैसे पार्टी में हुआ क्या? तुझे किसी ने रोटी नहीं पूछी या आइसक्रीम खत्म हो गई थी? पापा आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता चल गया है कि डांस पार्टी क्यों होती है और किसके लिए होती है। क्यों होती है, किसके लिए होती है? लड़कों के लिए, वहाँ सब मिले होते हैं और उनका काम होता है भोली भाली लड़कियों को तंग करना। तो बेटा भोली भाली लड़कियां वहाँ जाती क्यों हैं? क्योंकि वो भोली जो है वो तो उन्हें वहाँ जाकर ही पता चलता है कि लड़के कितने 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 गंदे होते हैं पापा। हाँ बेटा गंदे ठीक है, इस दुनिया के सारे लड़के वहाँ 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 गंदे होते हैं पापा। लेकिन बेटा मैं भी तो लड़का ही हूँ। आप तो पापा हैं। अरे हाँ मैं तो पापा हूँ, लेकिन वो तेरा बंटी, उसी ने तो सारे लड़कों को गंदा किया है, नाम मत लीजिएगा उसका। बेटा मैं तो उसका नाम तेरी वजह से लेता हूँ, वरना तो मैं उस नाम का डॉगी भी ना रखूं। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि तुझे बंटी और पार्टियों से दोनों से एक साथ नफरत हो गई? हाँ पापा आप ठीक ही कहते थे कि मुझे अपना ध्यान मेडिसिन पढ़ने में लगाना चाहिए, अब कल से मेरी और मेरी पढ़ाई के बीच कोई नहीं आएगा पापा। वेरी गुड माई खुशी बेटा, वेरी गुड। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि अपने आप ही सब कुछ ठीक हो गया, फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए, ये जो बंटी से झगड़ा हुआ है ये 2-4 दिन वाला है या लंबा वाला है? सारी उम्र का, फिर नाम लिया उसका आपने। सॉरी सॉरी बेटा, वैसे हुआ क्या था पापा? बेटा मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि सुलह होने के चांसेस कितने हैं? बिल्कुल निल। जिस लड़के को मेरी परवाह ना हो, जिसे अपने नाचने गाने के सिवा कोई काम ना हो, जो मेरी बेइज्जती होते हुए देखता रहे और ये भी ना सोचे कि मैं इतनी रात को अकेले घर कैसे जाऊंगी पापा, ऐसे लड़के का तो ना मेरा बच्चा, हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। नहीं पापा, ऐसे लड़के को तो गोली मार देनी चाहिए। ठीक है, शमशेर चाचा को कह के उसको गोली मरवा देंगे। पापा सॉरी, अगर आपको मुझे डांटना है तो। नहीं बेटा, देख सुबह का भूला शाम को, तेरे केस में रात को अगर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और अब जब अकल आ ही गई है ना तो उसे कस कर पकड़ कर सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। चले आते हैं मुंह उठा के, रात भर काम करो, यहां कोई खराब पट रही है? ये रात तुम्हारी वर्स्ट नाइट होगी, अगर सुबह तक बैलेंस शीट टैली ना हुई तो यहां तुम्हारी शक्ल कोई नहीं देख पाएगा। नाउ गेट आउट। चले आते हैं यहां मुंह उठाए। सक्सेना तुम बेवक्त कट के कहां से गिर गए? सर ये एक साजिश है। आई कैन एक्सप्लेन यू सर। नहीं शेरू, ये तो दूसरों को पढ़ रही डांट के मजे ले रहा था। भैया 12 बज गए, ये कोई टाइम है काम करने का? अच्छा भाई जाओ यार, तुम भी गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। और रुको यार, महेश तू अंदर कैसे आ गया? बाहर लाल बत्ती वाली नो एंट्री नहीं देखी? हाउ कैन यू? अरे यार बात ही कुछ ऐसी है, तू भी सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा और अपने एम्प्लॉयज को 1 महीने की छुट्टी दे देगा, वो भी विद पे। तू मुझे खुशी दे रहा है या घाटा करवा रहा है? मेरी मत मानिए जो मैं ऐसी खुशी सुनूं। अरे यार बात तो सुन भाई, आप लोग क्यों मेरा मुंह देख रहे हैं? जाओ ना। हॉलीडे विद पे वाला सपना दिखाने का शुक्रिया। अरे यू आर वेलकम सक्सेना, अब जाओ। देशी ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तू जानता है ये मेरे काम का वक्त है। ओ यार ये उल्लुओं के काम का वक्त है,
इस वक्त समझदार आदमी सोने की कोशिश कर रहे होते हैं या मेरे साथ सेलिब्रेट करने की तैयारी। हमेशा की तरह कोई फजूल सी निक्की सी खुशी निकली ना तो देखना। अब बता बात क्या है? शेरू मेरी खुशी लौट आई है। गई कहां थी? वो भटकने गई थी उस नास पिटे बंटी के साथ। मतलब बंटी को कहीं छोड़ आई है? कहां? ठड्डे खूब। खुशी बंटी के घूमने की नहीं है, खुशी के उसके जिंदगी से निकल जाने की है। उसकी जिंदगी से खुशी निकल जाने का तुम्हें कैसे पता? वो लड़ पड़े हैं दोनों हमेशा के लिए। कौन कौन? अरे बंटी और खुशी। और कौन यार? खुशी कौन? हमारी बच्ची। और नहीं तो और कौन सी खुशी? अपनी बच्ची। यस। ओए मैं बाकी खुशियों के बारे में सोच रहा था। खैर छोड़ो, वो तो मैं पहले से ही कह रहा था, हमारी बच्चियों को कोई ज्यादा देर सह नहीं सकता। ओ यार लेकिन मामला बड़ा उलझ गया था। बंटी बड़ा ही काइया निकला, लसूड़े की तरह चिपक ही गया था, और थोड़ा बहुत तो मुझे भी पसंद आने लग गया था यार। ओए ना किया कर पसंद इतनी जल्दी बंदों को, बाद में टूटा दिल लिए फिरता है। खैर अब तो खुश है ना? हाँ यार दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। चल अब असली बात बता, सेलिब्रेट किस खुशी में करना है? किस खुशी में करना? अरे इतनी बड़ी बात तो बताइए तुझे अभी। वो इतनी फिजूल सी बात, ये तो मुझे पहले ही पता थी। इसके लिए तूने मेरा इतना कीमती वक्त बर्बाद किया। फिजूल सी बात? अरे बाप बन के सोच बाप, और रब ना करे तुझे ऐसा बंटी फेस करना पड़े, तब पता चलेगा। मैं जा रहा हूँ यार। ओए जाता किधर है? बात निक्की सी हो, सेलिब्रेट तो हो ही सकती है। चारू पिस्ते बादाम वाली शंघाई बना महेशी के सेलिब्रेशन खाते में। चल। नहीं जाता। चल और नहीं जाता यार। ओ चल। उधर कहाँ जा रहा है? मुझसे काम कराएगा इतनी रात? ओ यार पिस्ते बादाम का नाम सुन के मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरी वीकनेस है। चल। पर बात तो बड़ी थी ना। हाँ। खुशी
क्या कर रही हैं? मुझे रह रहकर दुख हो रहा है। बंटी से बिछड़ने का या उससे छुटकारा पाने का? अनुज तू कोई आसान सवाल नहीं कर सकता, मेरे ही साल पे तो तरस खा। अब दीदी, बंटी अगर बुरा है और आपसे बिछड़ रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, और अगर अच्छा है तो आपको दुखी होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसे कभी छोड़ना ही नहीं है। है तो मैं फिजूल में दुखी हो रही हूँ? एक मिनट, तूने तो मेरे दुख की वजह ही खो दी है। ये तो और भी अच्छी बात है, अगर इस दुनिया में हम सब की दुख की वजह ही खो जाए तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाए ना। याद आ गया, मान बंटी की हरकतों की वजह से मुझे दुख हो रहा है। अब मुझे उसकी शक्ल कभी नहीं देखनी, इसलिए भी दुख हो रहा है। वो बहुत गंदा है, इसलिए भी मुझे दुख हो रहा है। मैं चारों तरफ से दुखों से घिरी हुई हूँ और तू कह रहा है मुझे कोई दुखी नहीं है। अरे दीदी, दुख सुख तो हर एक की जिंदगी में आते जाते रहते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि प्यार में पड़ने के बाद वो जल्दी आते जाते हैं। उड़ा ले मजाक, जब तेरे पे पड़ेगी ना तब मैं भी हंसूंगी। हाँ हंस लेना, अब आप नीचे चलिए। चल। वैसे दीदी, ऐसे बाउंसर्स पे तो मैं तो डक कर लेता हूँ, अभी अभी एक से बचा हूँ। पर अनुज, मैंने जो ये उम्र भर का रोग अपने ऊपर ले लिया है उसका क्या करूँ? घबराइए मत दीदी, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अरे लेकिन तुम्हारे पापा का प्यार तो परमानेंट है, स्पेशली अपनी इस गुड्डू के लिए। इस गुड्डू ने तो परमानेंट प्यार करके अपनी ऐसी हालत बनाई है। पापा चले, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अरे बेटा तैयार तो हो जा, चेहरे पे रौनक ला, पता तो चले सवेर हो गई है। पापा मैं तैयार हूँ। दीदी इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, आपका नाना भी नहीं, कम से कम नहा तो लीजिए। पापा मैं जा रही हूँ। मैं आ रहा हूँ बेटा। अरे खुशी बेटा, मेरा तो वेट कर। हाँ बेटा देख बेटा, ऐसे उदास नहीं होते, तू उदास होती ना फिर मैं भी बहुत उदास हो जाता हूँ, जरा मुस्कुरा देना। अच्छा चल, मैं तुझे तेरे शमशेर अंकल का किस्सा सुनाता हूँ। पहले ना ये इससे भी मोटे थे, और एक दिन हम गोल्फ खेलने गए तो गोल्फ की बॉल नीचे रखी, और जब स्टिक से मारने लगे बॉल तो पेट की वजह से बॉल नहीं दिख रही थी, तो उन्होंने बॉल लेकर दूर रख दी और दूर से बॉल को मारने की कोशिश करने लगे यूं, और हवा में घुमाने लगे क्यों, और हम लोगों का हंस हंस के पेट दुखिया। अच्छा हंसी नहीं आई, चल कोई नहीं बैठ जा, आजा। चल खुशी पुत्र। अरे खुशी, खुशी। खुशी, आप गा रही हैं या किसी को बुला रही हैं? बेटा खुशी ने ना बंटी की सारी हड्डियां तोड़कर टेबल पर सजा दी है। तुमने थोड़ा सा भी बंटी नहीं बचा? ना नजर तो किधर नहीं आया, पर हड्डियां बंटी की थी। हड्डियां क्या हिल रही थी? नहीं तो? तो फिर वो बंटी की कैसे हो सकती है? पर खुशी ने तो उसकी हड्डियां तोड़ने को कहा था, अब भगवान क्या होगा? होगा क्या, खुशी खुश हो गई होगी। ये भगवान इतनी जल्दी? मगर बेचारा बंटी तो मारा गया। वो जान देना, तंग भी तो उसको कितना करता था, हमारी खुशी की खुशियों पर ऐसे हजार बंटी कुर्बान। मैं आ गया। बंटी? नहीं अनमोल। मैंने सुना है कि खुशी और बंटी का झगड़ा हो गया। अरे वो बंटी, वो तो अपनी ढेर सारी यादें और थोड़ी सी हड्डियां ही छोड़ गया। सच? इससे पहले खुशी की जिंदगी में कोई और आए, मुझे जल्दी से जाकर खुशी से मिल लेना चाहिए। मिलने का रिस्क लेना चाहते हो तो ले लो, वैसे अभी तक ये पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है कि वो हड्डियां बंटी की हैं। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? प्यार करने वाले कोशिश जरूर करते हैं। मैं जाता हूँ, खुशी को इस समय समझने वाले एक समझदार की जरूरत है। नमस्ते पुपी। हाय अनुज, मैं आ गई। नमस्ते बेटा, तू किधर थी? दो दिन से खुशी तेरी याद में गम में सो रही और गम ही खा रही है। गम का यह मतलब दुख से है, गोंद से नहीं। पुपी मैं ना एक्चुअली कंट्रोल कर रही थी ताकि खुशी को मेरी इम्पोर्टेंस का पता चले और वो मुझे बुलाए। हाय रब्बा, अनमोल अभी अंदर गया लेकिन कोई आवाज ही नहीं आ रही। कहीं अनमोल भी बंटी की तरह टेबल पे सच तो नहीं गया? चुप कर, शुभ शुभ बोल, भले ही वो किसी काम का ना हो पर कभी कभी ऐसे खोटे सिक्के ही अपने काम आते हैं,
और ये खुशी ने भी ना ये हड्डियां सजाने का नया शौक पाल लिया है। इस तरह तो खुशी भी इंटीरियर डेकोरेटर बन जाएगी। चुप कर, चल अंदर चल के देखते। खुशी, खुशी तो है। पर अनमोल कहाँ है? है ना खुशी दीदी के हाथ में। क्या ये अनमोल है? अनमोल, अनमोल, अनमोल। हाय खुशी, तूने ये क्या किया? मैंने क्या किया बुबुई? अरे इतने बड़े अनमोल का इतना सा बना दिया। ये अनमोल थोड़े ना है, तो ये क्या बंटी है? काश के होता, उसकी हड्डियों का चूरमा बना देती। तो ये किसकी हड्डियां हैं? ये बोन सेट है बुद्धू, हमारी पढ़ाई के काम आती है। अरे मैंने तो हंसता खेलता अनमोल भेजा था, वो तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। तो सही फूफी, वो क्या ऊपर? हाय राम, तूने उसको वहां क्यों लटका दिया? आया था मुझे हंसाने के लिए, तो मैंने इसे मना किया, लेकिन फूफी ये माना नहीं, तो मुझे आ गया गुस्सा। मैंने अपने बालों का क्लिप निकाल के इसके मुंह पर दे मारा, और वो क्लिप पहुंच गया अलमारी पर, और मेरा निकल पड़ा रोना, क्योंकि वो मेरा फेवरेट क्लिप था। और ये बच्चू पहुंच गया अलमारी पर, और जैसे इसने क्लिप फेंका, मैंने बोल दिया इसको स्टैचू। पता है ना बच्चू, स्टैचू में जरा सा भी हिलते तो 12 मुक्के खाने पड़ते। हाँ, अरे इसका स्टैचू ही बनाना था तो बाहर गेट पे लटका देती, चोर उचक्को को डराने के काम आ जाता। कब तक बेचारा ऐसे ही लटका रहेगा? लटका रहने दीजिए इसे, जो भी मुझे हंसाने की कोशिश करेगा उसका ऐसा ही हश्र होगा। मैं तो चला। ओ रुक खुशी, हम भी तो तुझे हंसाने ही आए थे ना, तू हंसेगी तभी तो हम लोग पिकनिक जा पाएंगे ना। यहाँ मेरा बुरा हाल हो रहा है और तुझे पिकनिक की पड़ी है। अब इतना लंबा बुरा हाल थोड़े ना मनाते हैं, बंदा गलतियाँ करता है, गलतियाँ हो गई माफ करो, आगे बढ़ो। आगे भी तो गलतियाँ करनी है, माफियाँ मांगनी है, एक पे अटके रहेगी तो ऐसे तो सारे अच्छे प्रोग्राम मिस हो जाएंगे। ज़्यादा लेक्चर ना झाड़, इसमें मेरी क्या गलती? गलती उसकी है और भुगत मैं आ रही हूँ। ऐसा होता है, इन रिश्तों में भुगतना ही पड़ता है। चल छोड़, कच्ची उम्र की भूल समझ के माफ कर ले अपने आप को। क्या बात है प्रीति दीदी, बड़ी समझदारी वाली बात कर रहे हो, किसी से कल उधार ले आए हो क्या? और एक बात और खुशी, रात का भूला अगर सुबह को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सत्यानाश प्रीति दीदी, रात को भूल करने वालों को हमेशा भूला ही कहते हैं, क्योंकि रात को की गई भूल महंगी पड़ जाती है, और वैसे मुहावरा दिन दिन में भूल करने वालों के लिए बनाया गया है। ये क्या भूल भूला लगा रखा है, मैं कोई भुलक्कड़ हूँ क्या? मैं उदास हूँ और मुझे दुख हो रहा है, मैं जितना भी भुलाने की कोशिश करती हूँ मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूँ? नहीं खुशी, रोना नहीं, खुशी रोएगी तो दुनिया से हंसी मिट जाएगी। ना मेरा बच्चा, रो मत, हम तुझे नया बंटी ला देंगे। अगर तू रोती रहेगी ना तो छोटे पापा ने तेरा नाम खुशी से दुखी रख देना है। ये तेरा जोक था ना? हाँ, तुझे हंसाने के लिए। चल बेटा खुशी, उदास मत हो, चल पिकनिक चल। इतनी डिप्रेशन में कोई पिकनिक जाता है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल अकेली हूँ, फिजूल हूँ, बेकार हूँ। आप अकेली कहाँ हो दीदी, बहुत से लोग सोचते हैं कि आप फिजूल और बेकार हो। झोंकता झोंकता, चलो चलो सब चलते हैं अब। अरे इसे भी छोड़ दे बेटा, पिकनिक में किसी काम ही आ जाएगा। अच्छा ओवर, चल चल पुत्र। खुशी, मैं आ रहा हूँ। झूम ले, नाच ले, ना कर इंतजार, बड़ी खुशी के चक्कर में नन्ही ना कर बेकार। ए, इधर उधर बिखरी है कितनी है खुशियाँ, तेरा दामन भर जाएगा इतनी है खुशियाँ। सोच सोच घबराना प्यारे, कर ले तू मस्तियाँ।